समीर। समीर क्या हुआ इधर? क्या हुआ सर, ये पथरा वगैरह हम लोग काम कर रहे थे, पथरा वगैरह इंगल जाम करके हम लोग पथरा डाल दिए। उसके बाद वो लोग आया, बोला तुम लोग साइड हो गया, और वो लोग पथरा तोड़ दिए। क्यों तोड़ा? लेकिन क्या बोल रहे थे? पता नहीं, कुछ बताया नहीं हम लोग को। काम बंद करो ऐसा कुछ बोल रहे थे? नहीं, डायरेक्ट वो लोग बोला काम बंद करो, बस वो तोड़ दिए। किसने बोला काम रुकाने को है? वही दादा, क्या नाम उसका, साधे में क्या बुलेट में नहीं आता है? नाम तो मालूम नहीं है। किस पे आता है? बुलेट में। कैसा दिखता है? लामा जैसा है, पतला जैसा थोड़ा। क्या बोला उसने? नहीं चलो, नहीं बोला काम बंद करो, अगर दोबारा काम बंद चालू रखेंगे तो सबको मारे। सबको मारेगा बोला? क्या बोला? बोला मारेंगे, मारेगा। जो मकान है खेमानी ओटी सेक्शन दुर्गा नगर के सामने मेरा मकान है, और आज से मैं 11 साल पहले उसे बिकत लिया था मेरे मित्र जावेद के हाथ में मिलके, जिसे आज मैं उसको जो आज मैं उसका रिपेयरिंग कर रहा था, और कुछ वहाँ पे गुंडे आए, उन्होंने तोड़ते हुए पूरा दीवार वाल ढा दिए, पतरे लोखंड भी अपने साथ में ले गए, जिससे मुझे 1 से 1.25 लाख रुपये के नुकसान भी हुआ, और जो लोखंड चैनल लेके गए 20-25 हज़ार रुपये का, वो अलग। ये गुंडा राज हो गया है शहर में, लोग खुद का मकान नहीं बना सकते। बारिश में ढह गया तो वही बना रहा था मैं, कुछ नया स्ट्रक्चर नहीं था, जो नए स्ट्रक्चर थे उसके पुरावे मेरे पास पूरे कागजात हैं। ये एक दादूगर के है, एक उमेश भालेराव, जो भालेराव के गुंडे हैं, और भालेराव के इशारे भी किया जा रहा है। भालेराव कुछ दिन पहले मुझे बुलाए भी थे इस चीज़ बारे में, उन्होंने बोला था अपना कुछ पैसे दो मुझे, मैंने बोला था ठीक है देता हूँ। कल उनके ऑफिस में भी गया था, मैंने उनको बोला ठीक है 50,000 जो भी आपका व्यवहार है मैं उनको व्यवहार आपका क्लियर कर दूंगा और पैसे दे दूंगा। इसके बावजूद भी आज इन्होंने साइट पे आके काम को ढा दिया, गिरा दिया, और लोखंड चैनल सब उठा के लेके चले गए। उन्होंने संपर्क किया मैंने, लेकिन उनका कहना था पैसे पहले मुझसे मिलना था, उसके बाद काम चालू करना था, मुझसे मिले क्यों नहीं, क्यों चालू कर दिया? सीधी सी बात है, जब वो कह रहे हैं कि पहले मिलना था फिर चालू करने का, उनको बोला था बंद करने का, चालू नहीं क्यों क्यों किया, तो जाहिर हो जाता है ये सब चीज़ें इसमें। उल्लासनगर एक पुलिस चौकी आया हूँ और शिकायत कर रहा हूँ, पुलिस पंचनामा अपनी कार्रवाई कर रही है, आगे जाँच कर रही। मैं तो यही चाहूँगा दोषियों पर कार्रवाई हो, और इसके पहले भी अगर उसने कहीं कब्जे भेजेगा उस पर भी विचार किया जाए, कि इस तरह के जो गुंडे हैं जो लोगों की ज़मीनों को हड़पने के लिए कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बोला था तुम कल दिलीप मिश्रा से बात हुई आपके सामने, दिलीप ने जो बोला मैं तो एग्री किया ना, पहले जो भी उनको बोला। अरे लेकिन काम मैं बोला ना रुको करके, लेकिन ऐसा कुछ बात, दिलीप बोला चालू करो और अपना भालेराव साहब का जो है कल बोला ना आपके सामने, बोला ना आपके सामने तो बात हुई। नहीं बोला दिलीप साहब, बोला दिलीप ने मुझे, बोला कल चालू करो और भालेराव साहब का जो भी व्यवहार है साहब आप में बात नहीं। नहीं उन्होंने बोला जो व्यवहार है साहब का कर दो और काम चालू कर दो, मैं बोला ठीक है आपके से मिलके बोला नहीं उसने। नहीं साहब जी ऐसा हुआ है बात, तभी बोला मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, फिर अभी आपके आदमी लोग तोड़ फोड़ कर रहे थे पत्रा तो सब तोड़ दिया। अच्छा इधर ऑफिस में बैठा हूँ मैं कॉर्पोरेशन। ठीक है ठीक है।